फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन ड्राइव की जो कि कहा जा रहा है कि इस महीने रफ्तार उसकी काफी धीमी ही रह सकती है। वैक्सीनेशन की काफी ज्यादा किल्लत बताई जा रही है, यहां तक कि राज्य में 3 दिनों का ही स्टॉक बताया जा रहा है। हमारी सहयोगी एकता सूरी है, उनसे बात कर लेते हैं और समझते हैं। एकता, पूरे महीने महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो ही रह सकता है, वैक्सीनेशन की कमी इसके लिए एक मुख्य वजह बताई जा रही है। जी बिल्कुल स्वाति, वैक्सीनेशन की जो डोजेस की किल्लत है वो एक मेन वजह है। राज्य में अभी फिलहाल 18-44 एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 1 जून तक वैसे ही इस एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव पूरी तरह से ठप पड़ी है। रही बात 45 और 45 प्लस एज ग्रुप की, तो हम इस बात समझ सकते हैं कि किल्लत कैसे है। महाराष्ट्र में 5.5 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में अभी फिलहाल जैसे राज्य के पास 6.5 लाख के आसपास डोजेज हैं जो अगले 3-4 दिन तक चल सकती है स्मूथ वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर हम बात करें। उसके बाद केंद्र सरकार से करीबन 50,000 वैक्सीनेशन डोजेज मिलेंगी, और जो केंद्र सरकार से डोजेज मिलती है वो 45 प्लस एज ग्रुप के लिए होती है, 18-44 के लिए नहीं होती। 18-44 एज ग्रुप के लिए राज्य सरकार ने जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोजेस खरीदी भी थी, वो भी क्योंकि इतनी ज्यादा किल्लत है, जिन लोगों को 45 प्लस एज ग्रुप में जिनकी सेकेंड डोज थी ड्यू थी, उसके चलते हुए शॉर्टेज की वजह से 18-44 की तो ड्राइव ठप कर ही दी। बाकी जो वैक्सीन बची है वो 45 प्लस के लिए बची है। लेकिन जहां जो राज्य एक दिन में 5.5 लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है, अगर उसे 3-4 दिन के बाद सिर्फ 50,000 वैक्सीन मिल रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी किल्लत होगी, क्योंकि एक एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी ठप है 1 जून तक, और जिस एज ग्रुप के लिए खुली भी है वहां पर 50,000 डोजेज अगर उन्हें सरकार से मिल रही है तो कितनी कम डोजेज है, इस बात से हम लगा सकते हैं, आंका जा सकता है कि कम डोजेज की वजह से पूरे महीने में जो है इस मई के महीने में वैक्सीनेशन की किल्लत बनी रहेगी। प्राइवेट अस्पतालों में 18-44 एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन खुली है, आप बुक कर सकते हैं, लेकिन स्लॉट मिलना इतना मुश्किल है पूरे राज्य में कि जिसको स्लॉट मिलता है उसे लगता है कि उसकी एक बम्पर लॉटरी लग गई। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा मई का महीना जो है वो वैक्सीनेशन के लिए काफी स्लो रहेगा, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि जैसे अगर हम मुंबई की आर्थिक राजधानी की बात करें तो मंडे टू लेकर वेडनेसडे तक वॉक इन वैक्सीनेशन इन्होंने अलाउ कर दी थी सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन जब वैक्सीन की डोजेज ही नहीं होंगी तो किल्लत तो बनी रहेगी। मुंबई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 70,000 डोजेज के आसपास अभी है फिलहाल शहर के पास, और उससे भी वैक्सीनेशन ड्राइव अगले 3-4 दिन तक ही चल सकती है, लेकिन उसके बाद जो डोजेज आ रही है, जो मिल रही है, वो काफी कम है। पूरी अगर हम स्टेट की बात करें, बीएमसी ने ग्लोबल टेंडर निकाला है, थाने ने ग्लोबल टेंडर निकाला है, नवी मुंबई ने ग्लोबल टेंडर निकाला है, लेकिन जब तक ग्लोबल टेंडर्स के जरिए आप वैक्सीन प्रोक्योर करते हैं उससे जो ये पूरा हम कह रहे हैं वाकई एकता जी जिस रफ्तार से अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है उस लिहाज से लगता है कि काफी समय लग जाएगा वैक्सीनेट करने में लोगों को। आपने ग्लोबल टेंडर का यहाँ पर जिक्र किया था, वही मैं इसी पर आ रही थी मैं कि बीएमसी ने सबसे पहले ग्लोबल टेंडर जारी किया था जिसमें जो बाहर की वैक्सीन जैसे फाइजर हो गई, मॉडर्ना हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, वो जो है मुंबई में उपलब्ध हो सके, उसकी फिलहाल स्थिति क्या है? क्या वो अभी हम कह सकते हैं कि दूर की कौड़ी ही है? नहीं स्वाति, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया बीएमसी ने ग्लोबल टेंडर निकाला है, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला है, नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला है। अब ग्लोबल टेंडर में बीएमसी का जो ग्लोबल टेंडर है उसमें बिड की जो लास्ट डेट थी वो 18 मई थी। अब 18 मई के बाद कौन कौन सी कंपनीज इस बिड में हिस्सा लेती हैं, किससे आप मॉडर्ना हो, फाइजर हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, स्पुतनिक हो, आप किसके साथ टाई अप करते हैं, किसकी वैक्सीन आप प्रोक्योर करते हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि उसमें समय लगेगा। लेकिन बीएमसी ने अपने टेंडर में साफ कहा था कि जब वो ऑर्डर की रिक्वेस्ट डालते हैं किसी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास, तो वही कंपनी हिस्सा ले इस सारे टेंडर प्रोसेस में जो 3 हफ्ते के अंदर अंदर वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है। वही मैं बता रही थी कि 3 हफ्ते अगर हम बोले मई का तो जो है महीना ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 18 तारीख लास्ट थी बीएमसी के टेंडर की बिड की। अब उसके बाद जब आप कंपनी को बोलते हैं कि आपको इतनी वैक्सीनेशन चाहिए, 1 करोड़ डोजेस चाहिए, और वो कंपनी आपको 3 हफ्ते के अंदर बताती है कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक एक दिन जा रहा है,
और जिन लोगों को वैक्सीन चाहिए, जिनकी सेकेंड डोज ड्यू थी, उनके लिए तो काफी उन्होंने मदद कर दी। बीएमसी ने बोला कि आप वॉक इन कर लीजिए, लेकिन 18-44 एज ग्रुप और आज के तो दौर में कुल मिलाकर सबसे बड़ा एकता आपकी बात से भी समझा जाए। बिल्कुल आपके बात से समझा जाए, आपकी रिपोर्ट से समझा जाए, क्योंकि आप बहुत क्लोजली देख रही हैं इसको, स्टडी कर रही हैं और बात भी कर रही हैं तमाम प्रशासन के लोगों से, कि फिलहाल मुंबई में जो वैक्सीनेशन या महाराष्ट्र में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो काफ़ी बहुत ही धीमी और सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है और वैक्सीनेशन की कमी सबसे बड़ी इसकी वजह है। बहुत शुक्रिया एकता बातचीत करने के लिए।